जैसे कि आप जानते हैं अमृतसर में बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, पर जहाँ पे हम आज आपको लेकर आए मिट्टी कैफे में, इसका एक ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। जो भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेता है, वो अगर वो अपनी मिट्टी से जुड़ा होगा तो वो विनम्र ही रहेगा। बाकी हम इस मिट्टी कैफे के ओनर मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, कैसे? बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। मैम बताइए, कैसे शुरुआत हुई मिट्टी कैफे की? सर पहली बात, मैं इस मिट्टी कैफे को अमृतसर आने का एक सौभाग्य मानती हूँ। जो मिट्टी कैफे है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऑलरेडी पूरे इंडिया में 29 रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। ये 30th रेस्टोरेंट खुला है और पंजाब में ये पहला है, और इसके बाद भी अभी लाइन है 2-4 और कैफे इसी मंथ में। तो इंडिया में जल्दी से जल्दी ये चेंज बढ़ रही है, और मैं एक माध्यम बनी हूँ फिकी फ्लो प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन होने के नाते, एक माध्यम बनी हूँ कि हम ये मिट्टी कैफे को अमृतसर ला सकें। इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? सर ये ना हमारा एक नेशनल इनिशिएटिव था टू वर्क फॉर डिफरेंटली एबल, सारे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए कुछ करने का। सो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया जब मैंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे ही इस मिट्टी कैफे की जो फाउंडर है अलीना से मिली और उनकी सारी बातचीत करी उनके साथ, और पता करा कि क्या प्रोजेक्ट क्या है। सो बहुत दिल को छुआ और लगा कि हम पंजाब में तो वैसे ही माना जाता है कि हम बहुत खुले दिलों के हैं ना, राजा दिल है सबका, तो व्हाई नॉट हम अपने अमृतसर में भी किसी के लिए कुछ करने की भावना रखें और ये आगे लेके आए। ये जो आपकी एफर्ट है ये तो बहुत यूनिक है, ये बहुत कम लोग करते हैं। अमृतसर में 5-star होटल खुल जाते हैं, 3-star खुल जाते हैं, और बहुत से स्टारबक्स आ गया, CCD आ गया, पर इसका माइंड में बहुत कम लोगों के आया, जैसे कि आपके माइंड में आया। सर ये कारण तो आपको पता है, हम गुरु की नगरी में रहते हैं, तो कुछ भी करना वही डायरेक्शन दिखाते हैं, और आई फील प्रिविलेज कि उस परमात्मा ने ये डायरेक्शन दिखाई और हम मिट्टी कैफे को अमृतसर में ला सके। अपने स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए। ये हमारा अब तो कॉफी बोलते मास्टर हो गया है। हाँ जी। उज्जवल, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आई स्टडी बारसो, मैं मिट्टी कैफे में काम करता हूँ। हाँ जी। और मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। मैंने सुना है आपने एक कंप्यूटर का कोर्स भी किया है, वो कौन सा कोर्स है? वो CEO। ओके, पहले भी कहाँ पे जॉब करते थे? कंप्यूटर सेंटर, SK कंप्यूटर। बहुत अच्छी बात है। ये वंतिका है, ये तो सबकी फेवरेट बन चुकी है, ये सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है, तो सैंडविच के लिए बहुत पॉपुलर भी हो चुकी है। आज हमारी थर्ड कैंडिडेट हमारे साथ नहीं है, अंडर द बेटर है। जी वंतिका मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। दुबई भी होके आई हूँ। हाँ जी, दुबई भी होकर आए हो, फिर तो आप बहुत लक्की हो, दुबई तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। नहीं नहीं, अवंतिका बहुत ही प्यारी कैंडिडेट है हमारी, और इसमें हम और आगे बढ़ने की बहुत क्षमता देते हैं। पहले इनको कहते ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा। सर मिट्टी कैफे आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि मिट्टी कैफे ट्रेनिंग सेंटर भी है। हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है अमृतसर से, और बहुत कॉल्स आ रही है। 1st April से हम लोग पहला बैच अपने ट्रेनिंग का एड करने जा रहे हैं, और हमारे पास 6 कैंडिडेट और आए हैं जिनको हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, जैसे इनको दी थी 1.5 महीना इनकी ट्रेनिंग चली है, पर अब नया बैच 1st April से शुरू होगा। दोनों काफी ट्रेंड हो गए हैं। हाँ, वेरी वेल ट्रेंड। हमारा सरबजीत भी ट्रेंड है, उसका 40 और है, इनका 40 और है, और हमारे पास एक लड़की और है जिसका नाम है रेनू। सर रेनू आज यहाँ नहीं है बिकॉज वो बीमार थी थोड़ी सी। अच्छा चल, इनसे भी इंट्रोड्यूस करवाइए। सरबजीत आप तो फेवरेट हो गए ना, सबके हीरो। आपका क्या नाम है? सरबजीत सिंह। ओके, कहाँ से हो? अमृतसर में। हाँ जी, अमृतसर। ओके, चले जाइए। हाँ जी मैम, एक बताइए और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सर यहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है अंतिका बताइए। हाँ जी, और बिकॉज ये उनका है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनी। हाँ जी। और ये कैंडिडेट इतने वेल इंटेलिजेंट है, जो बहुत अच्छा हर चीज कर रहे हैं, और आई थिंक ये बहुत और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अंकिता आप बताइए हमें क्या मिलता है यहाँ? क्या क्या मिलता है यहाँ पे? फैक्ट्री बना के। हाँ जी, और क्या चीजें मिलती हैं? और क्या मिलती है? कॉफी मिलती है, पिज्जा मिलता है। हाँ जी, पिज्जा भी मिलता है। हाँ जी।
कॉफ़ी मिल जाएगी, मिल्क शेक मिल जाएगा, पास्ता मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएंगे और काफी रोल मिल जाएगा, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा स्लाइस, वेज सबवे, पनीर कुलचा मिल जाएगा। डेजर्ट्स में स्टिक कुल्फी मिल जाएगी, ब्राउनी मिल जाएगी, वालनट पाई मिल जाएगी और चाय मिल जाएगी और मैगी मिल जाएगी। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि आप सब इस कैफे में जरूर एक बार आएं और टेस्ट करें, कमेंट में बताएं टेस्ट कैसा लगता है। एक्चुअली मैंने सबवे ट्राई किया हुआ, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ और बहुत चीप प्राइस आ और मतलब कि एक पर्सनली इनफ आ। और असी मसाला टी ट्राई की थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इन्होंने बहुत चंगी तरीके ना बनाई आ, सो आई लव इट। थैंक यू। मैसेज की देना चाहोगे? मैसेज ट्राई करना चाहिए सारे नु एक बार जरूर, क्योंकि असी फूड कोर्ट पर भी जाने, बहुत साढ़े को रेस्टोरेंट आ जिसे असी ट्राई करते हैं हर एक जगह, न्यू रेस्टोरेंट आ, बट आई थिंक सो के बहुत सही है मतलब, और मतलब साढ़े पॉकेट के अकॉर्डिंग बहुत वधिया है, तो एक बार जरूर विजिट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अब इसका टेस्ट करके बताएंगे। सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप एक बार यहाँ पे जरूर